नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, प्रतिदिन ईश्वर हमें एक नया दिन देते हैं अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए, महान बनाने के लिए, अपने स्वप्नों को साकार करने के लिए। लेकिन यदि हम अपने इस अनमोल दिवस की शुरुआत ही अपने पिछले दिन या फिर पिछले स्मृतियों के साथ करते हैं, बुरी स्मृतियों के साथ करते हैं, तो वो दिन हमारे लिए भारी महसूस होने लगता है, क्योंकि पास्ट की बातें, बुरी बातें हमारी आज को, वर्तमान को नष्ट कर देती हैं। उसका जो प्रभाव है वो हमारे वर्तमान के आनंद को नष्ट कर देता है। इसीलिए मित्रों, प्रतिदिन जो हमारी शुरुआत है वो बहुत खूबसूरत हो कि ईश्वर ने जो आज का दिन दिया है, आज के दिन को मुझे भरपूर रूप से जीना है, आनंद के साथ जीना है। कैसे जीना है वो हम स्वयं निर्धारित करें। पास्ट की परछाई हमारे वर्तमान पर ना आए, हमारे आज पर ना आए। तो क्यों ना अपने आज को हम सुंदर से सुंदर बनाएं, ताकि आने वाला कल और भी सुंदर हो। तो आइए आज को सुंदर बनाने के श्रेष्ठ संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। नमस्कार। सफलता हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति से उत्पन्न होती है। सफलता हम सभी अपने जीवन में चाहते हैं। हर छोटा और बड़ा व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। लेकिन सफलता की कुंजी क्या है? What is the key to success? कभी-कभी हम सफलता के लिए प्लान भी करते हैं, प्रिपेयर भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जैसी हमें सफलता मिलनी चाहिए वैसी हमारे जीवन में हमें सफलता नहीं मिलती है। तो उसके लिए कौन सी ऐसी की है जिससे कि हम हर छोटे और बड़े कार्यों में, अपने घर में, ऑफिस में, संबंधों में, हर बातों में हम सफल रहें? तो उसका बहुत ही सहज साधन है कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति यानी कि दृढ़ संकल्प रखें। तो जब हमारे जीवन में सुबह से ही दृढ़ संकल्प रहेगा कि मुझे अपने निर्णयों में दृढ़ता रखनी है, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए आज पूरा दिन, पूरे जीवन का संकल्प लें कि हम एक दृढ़ इच्छा शक्ति अपने जीवन में बनाए रखेंगे, चाहे फिर कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, लेकिन हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को नहीं छोड़ेंगे। ओम शांति। मित्रों, कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन मुश्किल है इस बात पर विजय प्राप्त करना कि मैं कल से ये करूँगा, मैं कल से ये करूँगा। ये आम तौर पर व्यक्ति बोलता भी है और मन में सोचता भी है। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात आती है, तब भी व्यक्ति यही सोचता है कि चलो ये अच्छा अच्छा जो भोजन है आज तो खा लेता हूँ, कल से नहीं खाऊँगा, एक्सरसाइज कल से मैं शुरू करूँगा। और कई बार तो ये भी ख्याल कि ठीक है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन कल डॉक्टर को दिखा दूंगा। ये कल पर विजय प्राप्त करना बहुत बहुत ज़रूरी है मित्रों। यदि हम लापरवाह बनकर रहेंगे तो अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को खराब करेंगे और हमें ही नुकसान होगा। और ये हम कतई नहीं चाहते कि आप बीमार हो, आपको किसी भी प्रकार का नुकसान हो। इसीलिए ये एक सुंदर सा सुझाव कि कल करूँगा, इस पर ज़रूर आज विजय प्राप्त कीजिए। और साथ ही साथ जो आपकी सेहत आपके हाथ में हम प्रतिदिन लेकर आते हैं, उस पर भी ज़रूर अमल कीजिए। शीत ऋतु का जो चौथा प्रॉब्लम है वो है अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा। इसमें हमारी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है, सेचुरेशन है, वो कम हो जाता है। ऑक्सीजन शरीर को कम मिलता है, लंग्स को कम मिलता है, ब्रोंकियोल्स को कम मिलता है, तो नैरोइंग के कारण ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसी को अस्थमा कहते हैं। जिनको अस्थमा है उनको पहले से प्रिकॉशन लेना चाहिए कि ठंडी चीज़ों का उपयोग ना करें। घर में भी जब रहते हैं
तो खिड़कियां हमारी अगर धूप अच्छी आ रही है तो खुली रखें। दवाइयां जो ले रहा है, तरह तरह के ब्रोंकोडायलेटर्स रहते हैं, एस्थिलीन इनहेलर्स रहते हैं, उनका उपयोग जरूर रखें। अपनी दवाइयों को स्टॉक में रखें, क्योंकि उस समय इमरजेंसी में अगर दवाइयां नहीं हैं तो वो भी प्रॉब्लम आता है। वॉकिंग हमारा अच्छा रहे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करता है हमारी खुद की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसको भी हम रेगुलर करें। वार्म वाटर का उपयोग करें, ठंडी चीज़ों का उपयोग हम कम करें। जो फ्रिज वाली चीज़ें हैं जो एकदम आउटब्रेक करती है अस्थमा को, उसको कम करें। अपने स्ट्रेस लेवल को भी ठीक रखें, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस भी इस बीमारी को ट्रिगर कर देता है। अपने को हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें। मित्रों, कहीं बहुत ही प्रेरक और गहरी सी बात लिखी थी कि सीमा आकाश नहीं लेकिन सीमा हमारा मन है। बहुत ही गहन सी बात है मित्रों। हम अपने लिए कितनी सीमा निर्धारित कर लेते हैं, कौन सा दायरा निर्धारित कर लेते हैं, हम पर है। जब हम सीमा निर्धारित कर लेते हैं तो उससे बाहर जाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। ईश्वर ने हमें असीमित शक्तियाँ दी हैं, असीमित संभावनाएँ दी हैं, इतना बड़ा यूनिवर्स, हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों अपने लिए एक सीमा निर्धारित की जाए, क्यों एक दायरे में बंद करके रहा जाए? क्योंकि कहा गया है जितना बड़ा आप सोचते हैं उतने ही बड़े आप बनते हैं, और जितना छोटा आप सोचते हैं वहीं तक आप सीमित रह जाते हैं। तो मित्रों, अपनी सोच के दायरे को हमें बड़ा करना है। जितने बड़े हम बनेंगे उतना ही बड़ा हम प्राप्त कर पाएंगे, और यही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी। अपनी सोच को उन्होंने असीमित रखा है, इसीलिए आज सभी के लिए प्रेरक हैं, और वो कर दिखाया उन्होंने जो और नहीं कर पाते। आइए उनकी प्रेरणाओं से हम भी प्रेरित होते हैं और अपने आप को असीमित बनाने का सुंदर संकल्प लेते हैं। आजकल जो चैनल्स हैं TRP के पीछे जो है बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं कि TRP चाहिए उनको, अदरवाइज उनका चैनल काम नहीं करेगा। एंड उसकी वजह से क्या होता है, एक ही कोई घटना होती है उसको पूरा दिन वो हाईलाइट करते रहते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। आज से 3 साल पहले जब हमने एडिटर्स एसोसिएशन शुरू किया, सेल्फ रेगुलेशन को प्रैक्टिस में लाने लगे, तो एक अजीब घटना हुई। बजट का दिन था, बजट के दिन में सारे एडिटर्स हम लोग बैठे और एक फैसला लिया है हमने कि बजट के दिन हम सिर्फ बजट और बजट की एनालिसिस करेंगे। देश के विद्वानों को बुला के, अर्थशास्त्रियों को बुला के ये कहेंगे कि अब सोशल सेक्टर में कितना गया, डिफेंस में कितना गया, पाकिस्तान में डिफेंस में कितना जाता है, चाइना कितना करता है, हमारे पड़ोसी देश हैं, और हम क्यों इतना कम कर रहे हैं, सोशल सेक्टर में हमने ज्यादा क्यों नहीं दिया, हेल्थ में क्यों नहीं दिया, एजुकेशन में क्यों नहीं दिया। इस सब की एनालिसिस हम बजट में सारे दिन करेंगे, शाम को भी प्राइम टाइम में। एक चैनल ने कहा कि नहीं साहब, मैं आपकी बात से नहीं सहमत हूं, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो जो मर्जी आऊंगा करूंगा। सारे चैनलों ने, हम सब ने बैठ के शाम को प्राइम टाइम में बजट की एनालिसिस की। जो कंट्री के टॉप लोग थे उनको बुला के एनालिसिस की। 3 साल पहले की घटना है। उस चैनल ने, जिसने हम लोग की बात नहीं मानी, उसने उसी समय में एक माइकल जैक्सन का डांस लगा दिया, और आप ताज्जुब करेंगे कि उसका TRP हाईएस्ट था, हमारा TRP नीचे आ गया जी। तो सारे एडिटर्स कहने लगे देखिए ये होता है, पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं और होता है। अब ये हमारी अजीब मजबूरी थी। तब से हम 3 साल से अपील कर रहे हैं जनता से कि थोड़ा टेस्ट आप बदलिए, और मैं वादा करता हूं, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ये वादा करता है कि हम आपको आपके जनोपादेयता की चीजें, जनहित की चीजें दिखाएंगे। ये मेरा वादा है। सिर्फ आप थोड़ा सा अपना टेस्ट बदलिए, एंटरटेनमेंट से हटके प्योर न्यूज पे आइए, और वो आपकी चीजें होंगी जो आप दिखाएंगे। आज हमें फख्र से कह रहे हैं, और बहुत ही बड़ी हमें दिली मसर्रत है कि आज जनता का रुझान बदला है और हमारे स्टूडियो डिस्कशन जबरदस्त देखे जा रहे हैं जी। ये पहला हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल के हम लोग की कोशिश के बाद, कम से कम इंडियन टेलीविजन न्यूज चैनल्स की मैं बात कर रहा हूं, कि एंटरटेनमेंट छोड़ दिया, शाम को नहीं दिखाते हम एंटरटेनमेंट, शाम को हम वो सब भी नहीं दिखाते हैं जो इरेशनल चीजें होती थी।
वो भी जो कि आपके साइंटिफिक नहीं होती थी, वो सब भी हमने छोड़ दिया, और प्राइम टाइम में हम सिर्फ या तो न्यूज दिखाते हैं या स्टूडियो डिस्कशंस कंट्री के बड़े इश्यूज पे करते हैं, और आपको ताज्जुब होगा कि इसकी टीआरपी बहुत अच्छी आ रही है। तो हमारे लिए एक बड़ी सफलता है कि हम जनता में कम से कम प्रजातंत्र को मजबूत कर रहे हैं, एक वैल्यू सिस्टम, उसकी समझ को बढ़ा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो हम लोग कर रहे हैं। मित्रों, किसी अनुभवी ने कहा है कि जिसे मैं की हवा लगी उसे फिर न दवा लगी ना दुआ लगी। सचमुच मैं की हवा लग जाना, मैं अर्थात अहम, कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, ये जो मैं की हवा है, अहम की हवा है, जब ये लग जाती है तो सचमुच दवा और दुआ असर नहीं करते हैं। वो व्यक्ति फिर किसी का प्रिय नहीं रह पाता, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए मित्रों, कुछ भी हो, इस मैं की हवा से खुद को दूर रखें। कितने भी बड़े, कितने भी ऊंचे क्यों ना हो जाएं, महान वही होता है जो ऊंचा उठने के बाद और भी ज़्यादा झुक जाता है, और भी ज़्यादा विनम्र हो जाता है। और वास्तव में विनम्रता ही गायन योग्य, पूजन योग्य होता है, ना कि अहम। इसीलिए मैं की हवा से मुक्त रहने का सुंदर अपने जीवन में लक्ष्य रखें, और कैसे मैंपन से दूर हों, कैसे ईश्वर के नज़दीक पहुँचे, क्योंकि कराने वाला तो ईश्वर ही है, मैं तो केवल निमित्त हूँ, ये भाव अध्यात्म हमारे अंदर भर देता है और मैंपन से, अहम से हमें दूर कर देता है। कैसे ये भाव अपने जीवन में धारण करें, यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारी बहनें सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज हाइलाइट्स में। मिर्जापुर जिले के 39वीं वाहिनी पीएसी के 43वें स्थापना दिवस समारोह को बड़े ही हर्ष के साथ मनाया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से निमंत्रण दिया गया। कार्यक्रम में पीएसी के जवानों द्वारा विभिन्न तरह के स्टॉल लगाए गए, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज द्वारा भी आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का स्टॉल लगाया गया, और इस शुभ अवसर पर पहली बार मिर्जापुर की डीएमआईएस श्रीमती प्रियंका निरंजन जी एवं एसपीआईपीएस श्री अभिनंदन जी ने विशेष रूप से शिरकत की। इस मौके पर डीएम मैडम और एसपी सर ने सबसे पहले ब्रह्मा कुमारीज के स्टॉल का उद्घाटन किया, और इस दौरान मिर्जापुर सेवा केंद्र प्रभारी बी के बिंदु दीदी ने तिलक लगाकर स्टॉल पर स्वागत किया। इसी कड़ी में विशेष अतिथिगणों को राजयोग चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन कराया गया, जिसमें उन्हें परमात्मा शिव का सत्य परिचय दिया गया। अंत में गणमान्य अतिथियों को संस्था की ओर से ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गयी। मित्रों, चलते चलते एक और प्यारी सी बात। कहते हैं जब जीवन में कोई भी चैनल साफ साफ दिखाई ना दे तो अपने जीवन रूपी रिमोट कंट्रोल को ईश्वर के हाथों में सौंप दें। सचमुच कई बार ऐसा होता है कि जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें चीज़ें धुंधली धुंधली से दिखाई देने लगती हैं, साफ नहीं होता कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। ऐसे में हम थोड़ी देर मन को शांत करके ईश्वर के सम्मुख बैठ जाएं, उनका इशारा, उनके द्वारा एक सुंदर टचिंग हमें अवश्य प्राप्त होगी कि हम ऐसे समय पर क्या करें। लेकिन हमें उनके पास बैठने की पहले से ही आदत डाल के रखनी चाहिए, ताकि जब कभी भी ऐसी बात हो तो हम उनके साथ बैठें, उनके समीप बैठकर उनकी बातों को रिसीव कर सकें कि वो मुझसे क्या कह रहे हैं, कि ये करो ये ना करो। सचमुच यदि ये कला हमने सीख ली, अपने जीवन के रिमोट कंट्रोल को ईश्वर को सौंप कर उनके माध्यम से चलने की, तो जीवन खुशहाली से भर जाएगा। कभी भी कोई भी चैनल आपको धुंधला दिखाई नहीं देगा। गहराई से इस पर विचार कीजिएगा और अवश्य ही परमपिता के साथ बैठकर मन के तार जोड़ने का सुंदर अभ्यास आज से ही शुरू कीजिएगा। करेंगे ना, मुझे पूरा विश्वास है। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।